आज हमारा टॉपिक है जेनेटिक काउंसलिंग। तो इस टॉपिक में हम इस बारे में डिस्कशन करेंगे कि जेनेटिक्स की इम्पॉर्टेंस किस तरीके से है, या स्कोप क्या है, या किस तरीके से हम जेनेटिक्स की स्टडी को, जो कुछ भी हम इनहेरिटेंस के बारे में, नॉर्मल इनहेरिटेंसेस या डिसऑर्डर्स की इनहेरिटेंस के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, उस चीज़ को कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं और ये क्यों ज़रूरी है। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ये जेनेटिक काउंसलिंग क्या है। जेनेटिक काउंसलिंग का एक बहुत सिंपल मतलब ये है कि व्हेन अ प्रोफेशनल पर्सन इंट्रैक्ट्स विद समबडी, जो जिनको कोई ना कोई ऐसा इंडिकेशन है जिस वजह से उन्हें जेनेटिकल काउंसलिंग की ज़रूरत हो, हो सकता है कि वो बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हो और उनकी एज मैटर करता हो, या फिर मतलब एक ऐसे एज या एक पर्टिकुलर ऐसे डिजीज़ हो उन्हें, या उनकी फैमिली में कोई ऐसा एक डिजीज़ इनहेरिटेड हो जिस वजह से वो इंडिकेटेड हैं कि उन्हें जेनेटिकल काउंसलिंग की ज़रूरत हो, या उन्हें और अच्छा नॉलेज मिल सके कि जीन्स के ट्रांसमिशंस की वजह से किस तरीके से उनके एक्सपेक्टेड बेबी में कोई भी ट्रांसमिशन हो सकता है। तो वील स्टार्ट विद द सिंपल डेफिनेशन। इट इज़ अ कम्युनिकेशन प्रोसेस विच डील्स विद ह्यूमन प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द अकरेंस ऑफ अ जेनेटिकल डिसऑर्डर इन अ फैमिली। ओके, सो इट्स जस्ट अ कम्युनिकेशन। और ये कभी भी ऐसा नहीं है कि जो भी जीन्स या जेनेटिकल कॉन्सेप्ट जो प्रोफेशनल व्यक्ति हैं जिन्हें इन बारे में नॉलेज है, वो व्यक्ति जो काउंसलर हैं और जो कपल हैं या जो भी फैमिली मेंबर हैं जो उनसे काउंसिल लेने आए हैं, तो उनके बीच में एक इंट्रैक्शन इस तरीके से नहीं होता है कि काउंसलर सिर्फ उन्हें कुछ एडवाइस करेंगे और वो फॉलो करेंगे तो देयर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। जेनेटिकल काउंसलिंग ऐसा नहीं होता है। जेनेटिकल काउंसलिंग में देयर इज थॉरो इंट्रैक्शन बिटवीन बोथ द पार्टीज। दे टॉक, दे इंट्रैक्ट। जो काउंसलर हैं वो एक थॉरो हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं, वो पूरा जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि आर दे रियली हैविंग अ रिस्क ऑफ हैविंग एन इनहेरिटेंस ऑफ डिसऑर्डर इन देयर फैमिली, या किस तरीके से हम कह सकते हैं कि दे हैव एन इंडिकेशन। एंड जो पेरेंट्स हैं या जो एक्सपेक्टेड कपल्स हैं या जो फैमिली मेम्बर्स हैं, दे ऑल्सो शेयर एवरी थिंग एंड दे ऑल्सो वर्बलाइज कि उन्हें उनके मन में जितने भी डाउट्स हैं या उनको क्यों लगता है कि वो रिस्क पे हैं। तो दिस टाइप ऑफ इंट्रैक्शन इज कॉल्ड एज रिलेटेड टू द जेनेटिकल फैक्टर, इज कॉल्ड एज जेनेटिक काउंसलिंग। ओके, सो जेनेटिकल काउंसलिंग क्यों ज़रूरी है? फर्स्ट वन, इट प्रोवाइड्स एन एक्यूरेट, कंक्रीट, कंक्रीट मतलब एक स्थिर, एक्यूरेट मतलब बहुत ज़्यादा सही, मतलब विच इज़ एप्ट टू समथिंग दैट इज़ एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स। वो एक बहुत क्लियर सेंस में समझा के देते हैं कि जेनेटिकल डिसऑर्डर्स का इनहेरिटेंस किस तरीके से है। अलाउ पीपल हु आर अफेक्टेड बाई इनहेरिटेड डिजीज टू मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसिस अबाउट द फ्यूचर रिप्रोडक्शन। तो अगर कोई कपल बेबी प्लान कर रहे हैं तो उनको एक थॉरो या एक एक्यूरेट नॉलेज इम्पार्ट किया जाता है ताकि उन्हें बताया जा सके कि किस तरीके से डिसऑर्डर्स इनहेरिट करते हैं, ताकि उन्हें क्लियर नॉलेज मिल सके अपने फ्यूचर में जो भी वो रिप्रोडक्शन प्लान कर रहे हैं या बेबी प्लान कर रहे हैं, तो उस टाइम पे उन्हें क्लियर नॉलेज मिल सके, उन्हें पहले ही पता चल सके कि क्या रिस्क है, क्या उन्हें करना चाहिए, क्या टाइमिंग है। अगर बेबी को अगर कोई भी जेनेटिकल डिसऑर्डर्स होने का रिस्क भी है तो उन्हें पहले से ही एक इन्फॉर्मेशन रहेगा कि कब उन्हें किस तरीके के ट्रीटमेंट्स कराने हैं। अर्ली ट्रीटमेंट या ये जिस तरीके का जो जेनेटिक काउंसलिंग में मिला हुआ जो नॉलेज है, उससे कपल्स को एक अर्ली नॉलेज मिलता है जिससे वो अर्ली ट्रीटमेंट करा सकते हैं, और हो सकता है कि कई हद तक इन ट्रीटमेंट्स के द्वारा हम उस बेबी में होने वाले जो भी सिम्टम्स हैं या जो भी अबनॉर्मैलिटीज़ हैं उसे काफ़ी हद तक हम सही कर पाएँ। ओके, सो इन दिस वे जेनेटिक काउंसलिंग इज़ वेरी यूजफुल। एडुकेट पीपल अबाउट इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स एंड पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में हमने बहुत डिटेल में बात की है, जिसमें हमने देखा है कि किस तरीके से ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स या सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम्स किस तरीके से अपना एक इफेक्ट जो है वो शो करते हैं, पर्टिकुलरली अगर हम डिसऑर्डर्स के बारे में बात करें। हमने ये भी देखा है कि इनके अलावा किस तरीके से कोई दो टाइप के एलील्स जो हैं उनका एक अलग ही मिक्सचर शो होता है आने वाली जनरेशन्स में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये जेनेटिक काउंसलिंग के द्वारा बहुत बहुत सिंपल तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन पास ऑन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज़ इंडिकेशन। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि किन लोगों को जेनेटिक काउंसलिंग देने की हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है।
कोई भी एक्सपेक्टेड मदर हैं तो उनका जो एमनियोसिंथेसिस कराया जाता है या कोई भी स्टैंडर्ड प्रीनेटल टेस्टिंग कराया जाए, तो उस दौरान अगर हमें कोई भी अबनॉर्मल रिजल्ट मिलता है या अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिलते हैं, इसका मतलब है कि हमें पता चलता है कि कोई भी क्रोमोसोमल अबनॉर्मैलिटी है, कोई भी जेनेटिकल डिसऑर्डर है, ऐसा कुछ भी अगर हमें पता चलता है, या मान लीजिए कि हमें करेक्ट डिसऑर्डर नहीं पता चल रहा है लेकिन इट्स कमिंग आउट एज अ रिजल्ट कि कोई ना कोई एक क्रोमोसोमल एब्रेशन है या अबनॉर्मैलिटी है, तो उस कंडीशन में जेनेटिकल काउंसलिंग देना बहुत ज़रूरी है. ओके, दैट इज़ द फर्स्ट इंडिकेशन. द सेकेंड वन इज़ कि ईदर पेरेंट या क्लोज रिलेटिव इनके में कोई भी इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, या फिर पेरेंट के और भी बच्चे हैं जो ऑलरेडी बर्थ डिफेक्ट के साथ पैदा हुए या इनहेरिटेड डिसऑर्डर के साथ पैदा हुए और वो नेक्स्ट बेबी अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में बहुत ज़रूरी है जेनेटिक काउंसलिंग देना, क्योंकि ये कुछ इंडिकेशंस हैं जिससे हमें पता चलता है कि देयर इज़ अ चांस ऑफ बेबी टू हैव अ जेनेटिक डिसऑर्डर. ओके, इसके अलावा द मदर हैज़ हैड टू और मोर मिसकैरेजेस और अ बेबी डाइज इन इन्फेंसी. तो अगर कोई मदर हैं जो एक्सपेक्ट कर रही हैं बेबी या प्लान कर रही हैं बेबी, तो अगर उनकी कोई ऐसी हिस्ट्री है कि दो या दो से ज़्यादा बार प्रेगनेंसी के दौरान उनका मिसकैरेज हो गया हो, या बेबी डिलीवर करने के बाद बेबी की इन्फेंसी के दौरान ही डेथ हो गई हो, तो ऐसे कंडीशंस में भी डाउट होता है कि देयर इज़ सम इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स विच कैन कॉज अ फेटल सिचुएशन, या बेबी के लिए वो सस्टेनेबल नहीं होगा. ओके, द मदर इज़ 35 ईयर्स ऑफ एज और ओल्डर. तो 35 ईयर्स हम जस्ट एक जनरल सेंस में कह रहे हैं कि अगर बहुत लेट प्रेगनेंसी है, स्पेशली फर्स्ट प्रेगनेंसी अगर बहुत लेट एज में है, तो भी हम देखते हैं कि प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन आने के चांसेस हैं. तो ऐसे मदर्स को भी जेनेटिकल काउंसलिंग देना बहुत ज़रूरी है, टू टेल देम, टू एक्सप्लेन देम कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं टू द बेबी, ताकि वो अवेयर रहें और कोई भी सिचुएशन ऐसी आती है जिसमें उन्हें रिस्क लगे तो वो प्रॉम्प्ट उसके लिए इंटरवेंशंस ले सकें. ओके, इफ़ द पार्टनर इज ब्लड रिलेटिव, ब्लड रिलेशंस में मैरिजेस एक थोड़ा रिस्की माना जाता है, वो इसलिए क्योंकि अगर फैमिली में कोई भी इनहेरिटेड डिसऑर्डर, फैमिली में कोई भी अगर एक डिसऑर्डर रन कर रहा है, तो अगर हस्बैंड एंड वाइफ ब्लड रिलेटिव्स हैं तो ज़्यादा चांसेस होते हैं बेबी में वो इनहेरिटेड डिसऑर्डर आने के या डिसऑर्डर इनहेरिट होने के. ओके, सो ऐसे मैरिजेस में देर आर मोर इम्पॉर्टेंस ऑफ जेनेटिकल काउंसलिंग. ओके, सो ये कुछ इंडिकेशंस थे. नेक्स्ट वी विल सी कि जेनेटिकल काउंसलिंग हम किस तरीके से करेंगे, व्हाट आर द मेन स्टेप्स इन द जेनेटिकल काउंसलिंग. सबसे पहले हिस्ट्री टेकिंग है. यहाँ पे हम बहुत आराम से बहुत टाइम लेकर एक थॉरो हिस्ट्री लेंगे, जिससे हम पूरा, नॉट जस्ट हस्बैंड एंड वाइफ, उनके पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स जितना भी उन्हें पता है अपनी फैमिली के बारे में और रिलेटिव्स के बारे में, उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, ताकि ये जानने के लिए कि किसी को भी कोई बर्थ डिफेक्ट या कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर तो नहीं है. ओके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसके अलावा हम एक पेडिग्री चार्टिंग करते हैं. पेडिग्री चार्टिंग हम तभी कर पाएंगे जब हमने हिस्ट्री टेकिंग बहुत थॉरली और बहुत बहुत ज़्यादा डीपली लिया हो. तो फिर हम एक फैमिली के सारे ही लोगों को रखकर एक पेडिग्री चार्टिंग करते हैं. तो उसमें हम जस्ट डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं कि ओके, बैक थ्री जनरेशन में ग्रेट ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडमदर थे, उनके फिर कितने बच्चे हुए और फिर उनके कितने बच्चे थे, वहाँ से लेकर इन पेरेंट्स जो भी कपल हैं वहाँ तक हम ड्रॉ करते हैं. और इनमें से किसी को भी अगर कोई डिसऑर्डर रहा है तो हम उसको शेड करते हैं. तो अनशेडेड का मतलब है कि नॉट हैविंग एनी डिसऑर्डर, और शेडेड का मतलब है कि अफेक्टेड इंडिविजुअल है. तो इससे भी हमें बहुत अच्छे से पता चल पाएगा कि इनहेरिटेंस का पैटर्न क्या है, किस तरीके से इनहेरिट हो रहा है, और क्या क्लूज हैं जिससे हम ये जान सकते हैं कि बच्चे को किस तरीके का रिस्क है. ओके, देन एस्टिमेशन ऑफ रिस्क. एक बार हमें ये पता चलेगा तो हमें रिस्क के बारे में पता चल जाएगा जो मैंने अभी बोला. देन ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन. तो यहाँ तक तो काउंसलर कर रहे हैं. उसके बाद ये जो पॉइंट है, ये ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि जो कुछ भी हमें पता चला है हम अब उन पेरेंट्स को या उन फैमिली मेम्बर्स को या उन कपल को बताते हैं कि ये है. उस दौरान हम उन्हें बहुत अच्छे तरीके से इमोशनल सपोर्ट भी देते हैं ताकि वो पैनिक ना करें, और उनको हम बताते हैं कि किस तरीके से हम इसके लिए कोई इंटरवेंशन कर पाएँ जिससे हम बच्चे की अबनॉर्मैलिटीज़ को कुछ हद तक
कम कर पाएँ या रोक पाएँ. ओके, एंड द लास्ट थिंग इज़ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट में अभी तक में जेनेटिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा कोई ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ अवेलेबल नहीं हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे जेनेटिकली कोई एंजाइम अगर किसी बच्चे की बॉडी में कम आ रहा है तो उन एंजाइम के साथ ट्रीटमेंट देना. तो अगर हमें पहले से ही पता है कि ये डिसऑर्डर होने के चांसेस हैं तो बच्चे में कोई भी सिम्टम दिखने पर हमें क्लियर पिक्चर मिल सकता है कि ओके हो सकता है कि ये बीमारी है. अगर पहले से कोई जेनेटिकल काउंसलिंग नहीं कराया गया है, अगर रिस्क नहीं पता है, तो काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है बच्चे की बीमारी के दौरान ये जानने के लिए कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है. तो दिस वे इट कैन हेल्प. तो मैनेजमेंट के जो मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट के जो स्कोप है या जो वेरिएशन है वो बहुत लिमिटेड है, लेकिन जितना भी अवेलेबल है हम देने की कोशिश करते हैं. एंड द लास्ट थिंग इज़ कि जेनेटिकल काउंसलिंग अप्लाई ज़्यादातर कहाँ कहाँ होता है. फर्स्ट थिंग ऑफ कोर्स दी प्रीनेटल जेनेटिकल काउंसलिंग, जहाँ पे कपल्स को जेनेटिकल काउंसलिंग देते हैं या कपल्स अप्रोच करते हैं काउंसलर को जेनेटिक काउंसलिंग के लिए. ज़्यादातर वो कपल्स जिन्हें खुद या जिनके इससे पहले अगर कोई बेबी हैं, उन्हें या उनकी फैमिली में उनके पेरेंट्स को किसी को भी अगर कोई भी डिसऑर्डर है, उन्हें लग रहा है कि उनके बच्चे में कोई डिसऑर्डर हो सकता है, तो वो लोग अप्रोच करते हैं. या फिर जो एक्सपेक्टेड मदर हैं वो 35 या उससे ज़्यादा एज की हैं तो उन्हें लगता है कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम, तो ऐसे केसेस में वो लोग जेनेटिकल काउंसलिंग के लिए अप्रोच करते हैं. इसके अलावा पीडियाट्रिक जेनेटिक काउंसलिंग होता है. पीडियाट्रिक जेनेटिक काउंसलिंग तब होता है जब कोई बच्चा जिसका बर्थ हो चुका है वो कुछ ऐसे सिम्टम्स एग्जिबिट करते हैं जिससे हमें डाउट होता है, देन वी गो ऑन टू अ जेनेटिकल, मतलब वो जो प्रॉब्लम है उसके लिए हम एक जेनेटिकल एस्पेक्ट को भी कंसिडर करते हैं. इसके अलावा अडल्ट जेनेटिकल काउंसलिंग हो सकता है. अडल्ट जेनेटिकल काउंसलिंग में अडल्ट कोई बचपन में इतना नहीं, लेकिन अडल्टहुड में आकर अगर कोई बीमारी या कोई सिम्टम ज़्यादा शो हो रहे हैं तो उस एज में भी जेनेटिकल काउंसलिंग दी जा सकती है. एंड द लास्ट थिंग इज़ कैंसर. कैंसर में लाइक बहुत सारे ऐसे कैंसरस सिचुएशंस होते हैं जो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं फैमिली हिस्ट्री में रन करने के या हेरिडिटी होने के. तो ऐसे कंडीशंस में हम कैंसर जेनेटिकल काउंसलिंग करते हैं ताकि पता चलें कि ये जेनेटिकली पास ऑन है या नहीं है. अगर ऐसा है तो आगे ये इन्फॉर्मेशन से आगे जो और फैमिली मेम्बर्स हैं उन्हें एक हेल्प मिलेगी. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट जेनेटिकल काउंसलिंग. तो आज हमने देखा कि जेनेटिकल काउंसलिंग क्या है, क्या इम्पॉर्टेंस है, क्या पर्पस है, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और कहाँ कहाँ पे हम इसको अप्लाई करते हैं. आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया. अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. थैंक यू.